हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं LIC के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है उसके पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें फुल डिटेल बताया हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि जो तीन श्रेणी के जो पद पर भर्ती होगी, जो कि 8,500 से 8,500 अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन रखा गया है। 9 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं LIC की वेबसाइट पर जाकर। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, जो भी परीक्षा होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम बात करेंगे जो ओपन मार्केट श्रेणी के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। देखिए, जो तीन श्रेणी की बात किया है, ओपन मार्केट श्रेणी और हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर द्वितीय श्रेणी जो है आपको अभिकर्ता एवं कर्मचारी श्रेणी के लिए ऑनलाइन परीक्षा, और तृतीय श्रेणी की बात करें तो हम देखिए कर्मचारी वर्ग के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले ओपन मार्केट श्रेणी के लिए ना प्रशिक्षु विकास अधिकारी का चयन 2 चरण की परीक्षा में माध्यम से किया जाएगा। सबसे पहले इसका प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। किस टाइप का क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स? MCQ क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हम बात करेंगे, देखिए यहाँ तीन चीज़ें दे, तर्क क्षमता, संख्यात्मक योग्यता और अंग्रेजी, तीन चीज़ें यहाँ दी गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 35, 35 और 30 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी भाषा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अंग्रेजी भाषा का जो होगा स्कोर उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन टाइमिंग भी दिया गया है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ओके, और यहाँ प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग समय के साथ होंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए, 20 गुना पद पर में जो मेंस में जो एग्ज़ाम बैठाया जाएगा, है ना, तो 20 गुना पद पर आपको बैठाया जाएगा। ठीक, तो जैसे प्रथम श्रेणी में, है ना, जितने पास होंगे उसका मुख्य श्रेणी मुख्य परीक्षा में, माफ़ कीजिएगा, मुख्य परीक्षा में 20 गुना अभ्यर्थियों को बैठाया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और जो मुख्य परीक्षा आयोजित होगी वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक, यहाँ जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। और कुल मिलाकर यहाँ देखिए 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 150 नंबर के। ठीक, हिंदी अंग्रेजी माध्यम में अवेलेबल होगा और 120 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। ओके, यहाँ सारी चीज़ें दी गई है, देखिए ये चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तर्क क्षमता जो भी है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और वहाँ से PDF और सारे चीज़ आप डाउनलोड कर पाएंगे वहाँ से। देखिए, यहाँ अभी कर्ता और कर्मचारी श्रेणी के लिए ऑनलाइन परीक्षा, यहाँ हम बात करेंगे इसकी। ठीक, तो अभिकर्ता और कर्मचारी वर्ग से प्रशिक्षु विकास अधिकारी का चयन एकल चरण की परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, ये मुख्य परीक्षा के माध्यम से ही इसका चयन किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मुख्य, देखिए इसका भी ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और MCQ क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और इसका भी वही है, वही सिलेबस है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग अलग हो गया है। ओके, तो कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस, तर्क क्षमता और संख्यात्मक योग्यता, सामान्य ज्ञान और बीमा और बीमा, तो ये तो वही है। ठीक, और देखिए 25, 25 और 50 यहाँ पूछा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे थे 50, 50, 50 150 नंबर का पूछा जाना था। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्नों की संख्या 25, ये 25, ठीक, और यहाँ 50। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे होंगे 25 क्वेश्चन का 10 नंबर पूछा जाएगा, है ना, जो 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ 15 नंबर का पूछे जाएंगे, जो 50 क्वेश्चन आएगा उसके 125 नंबर का पूछा जाएगा, टोटल 150 नंबर के पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हम बात करेंगे कर्मचारी वर्ग के लिए, कौन सा वर्ग के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ भी, है ना, बाकी सिलेबस में भी थोड़ा सा अंतर है यहाँ। तर्क, सामान्य ज्ञान, अभ्यास और बीमा विपणन के सिद्धांत, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा सिद्धांत दे दिए गए, यहाँ थोड़ा तत्व दे दिए गए, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बाकी
कुछ नहीं है। बाकी यहाँ देख सकते हैं ये भी 150 नंबर का आएगा और 120 मिनट का टाइमिंग है। तो जो भी सिलेबस है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ डायरेक्टली जाएं और वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लें। कैसे फॉर्म भरना है, आप जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरने, जो भी इनसे संबंधित जानकारी है, इनसे इंस्ट्रक्शन है, सारा चीज़ इसमें दिया गया है। आप एक एक लाइन को भरने से पहले ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी कैसे भरना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें दी गई है, ओके। तो इसको आप लाइन बाय लाइन एक एक पढ़ के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिएगा। 9 जून 2019 तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है और यहाँ एग्ज़ाम का डेट भी यहाँ पर दे दिया गया है, संभावित डेट। बाद में अगर चेंज होगा तो आपको LIC के वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है, किसी तरह का चेंज होता तो आपको यहाँ पर देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट डेट डेज़ है आपको यहाँ देख सकते हैं, ठीक। परीक्षा की तिथि 9, 6 एवं 13 जुलाई 2019 और 10 अगस्त 2019 को मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये छत्तीसगढ़ के लिए जो पोस्ट है ये है भोपाल और रायपुर, ये भोपाल जोन का है ना, सेंट्रल जोन का है। तो ये बिलासपुर और रायपुर में यहाँ देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो ज़रूर भर दें, बिलासपुर में 22 पोस्ट है, रायपुर में 53 पोस्ट है, ओके फ्रेंड्स। ग्रेजुएशन मांगा गया है तो आप इसको फॉर्म भर दें और तैयारी में लग जाएं, ओके फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्टडी जारी रखें।